सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 11 के पर्ज बैलेंस के बारे में, जो कि रिटर्न करने के बाद किन टीमों के पास कितना पैसा बचा है। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा, जो कि आज हमें ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। 7:30 बजे शाम को देखने को मिलेगा ऑक्शन। उससे पहले हम जान लेते हैं किन टीमों के पास कितना अभी तक पैसा बचा है प्लेयर को खरीदने के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले टीम यहाँ पर गुजरात जायंट्स की है, जो कि इस सीजन इन्होंने 5 प्लेयर को रिटर्न किया है। और 5 प्लेयर रिटर्न करने के बाद इनके पास टोटल पर्ज बैलेंस 4 करोड़ का बचा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनके पास पर्ज बैलेंस बचा है। उसके बाद नेक्स्ट टीम है तेलुगु टाइटंस की टीम, क्योंकि तेलुगु टाइटंस ने इस सीजन 6 प्लेयर को रिटर्न किया है और 6 प्लेयर रिटर्न करने के बाद इनके पास 3 करोड़ 82 लाख रुपये पर्ज बैलेंस बचा है। वहीं नेक्स्ट टीम की बात करें तो अगली टीम यहाँ पर देख सकते हैं बंगालवरी की टीम है, जो कि 6 प्लेयर को भी इन्होंने रिटर्न भी किया है और इनका पर्ज बैलेंस टोटल 3 करोड़ 62 लाख रुपए पर्ज बैलेंस बचा है। उसके बाद अगली टीम की बात करते तो अगली टीम यहाँ पर पटना पारस की टीम है, जो कि पटना पारस ने भी 6 प्लेयर को रिटर्न किया है और 6 प्लेयर रिटर्न करने के बाद इनका पर्ज बैलेंस 3 करोड़ 59 लाख बचा है। उसके बाद नेक्स्ट टीम की बात करते हैं तो नेक्स्ट टीम है यूपी योद्धाज की टीम, जो कि यूपी योद्धाज की अगर बात करें तो इन्होंने 6 खिलाड़ियों को इस सीजन रिटर्न किया है और इनका टोटल पर्ज बैलेंस 3 करोड़ 16 लाख रुपये पर्ज बैलेंस बचा है। उसके बाद नेक्स्ट टीम है यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स की टीम, जो कि बेंगलुरु बुल्स की टीम ने यहाँ पर टोटल 8 खिलाड़ियों को रिटर्न किया है और 8 खिलाड़ियों को रिटर्न करने के बाद टोटल इनका पर्ज बैलेंस 3 करोड़ लगभग बचा है। उसके बाद नेक्स्ट टीम की बात करें तो नेक्स्ट टीम है युम्बा की टीम, जो कि युम्बा की टीम ने टोटल इस सीजन 7 खिलाड़ियों को रिटर्न किया है और इनका टोटल पर्ज बैलेंस 3 करोड़ 88 लाख पर्ज बैलेंस टोटल बचा है इस सीजन। उसके बाद नेक्स्ट टीम की बात करें तो नेक्स्ट टीम है दबंग दिल्ली की टीम, जो कि दबंग दिल्ली की टीम ने बेहतरीन खिलाड़ी को रिटर्न किया है, जो कि 7 प्लेयर को रिटर्न किया है और 7 प्लेयर रिटर्न करने के बाद टोटल 2 करोड़ 66 लाख रुपये यहाँ पर पर्ज बैलेंस बचाई है। उसके बाद नेक्स्ट टीम है यहाँ पर तमिल थलावेज की टीम, जो कि तमिल थलावेज ने सबसे ज़्यादा खिलाड़ी को रिटर्न किया, 12 खिलाड़ी को रिटर्न किया है और 12 खिलाड़ी रिटर्न करने के बाद 2 करोड़ 57 लाख रुपये बचा है। नेक्स्ट टीम है हरियाणा की टीम, जो कि हरियाणा की टीम ने टोटल 9 खिलाड़ी को रिटर्न किया है और 9 खिलाड़ी रिटर्न करने के बाद इनका टोटल पर्ज बैलेंस 2 करोड़ 32 लाख रुपए बचा है, जो कि ऑक्शन के लिए इन्होंने बचाया है। उसके बाद नेक्स्ट टीम है जयपुर की टीम, जो कि जयपुर की टीम ने 5 प्लेयर को रिटर्न किया है और 5 खिलाड़ी रिटर्न करने के बाद टोटल इनका पर्ज बैलेंस 2 करोड़ 29 लाख रुपये बचा है, जो कि अर्जुन देसवाल को भी रिटर्न किया इन्होंने। अगली टीम है तो अगली टीम यहाँ पर सीजन 10 की चैंपियन पुणे की टीम है, जो कि पुणे की टीम ने टोटल 12 खिलाड़ियों को रिटर्न किया और 2 करोड़ 12 लाख रुपए इन्होंने अपना पर्ज बैलेंस बचाया, जो कि सबसे कम पर्ज बैलेंस पुणे की टीम के पास है और सबसे ज़्यादा पर्ज बैलेंस यहाँ पर गुजरात जायंट्स के पास है, जो कि गुजरात जायंट्स टोटल 4 करोड़ बना के अपना पर्ज बैलेंस रखी है ऑक्शन के लिए, जो कि आज ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर पवन सहरावत भी इस टीम में जा सकते हैं, जो प्रदीप नरवाल को भी खरीद सकती, जो कि सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास बचा है। आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन किस टीम में जाएंगे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा।